लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं छठ का विशेष कार्यक्रम मेरे साथ। और हम इस वक्त है जुहू तट पर, जुहू तट के किनारे। जैसा कि हमने सुबह के कार्यक्रम में भी आपको दिखाया था कि किस तरह का माहौल होता है, और छठ व्रती उनका आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं चूंकि नदियां नहीं है, यहाँ नदी के किनारे नहीं है, लोगों ने समुद्र के किनारे ही छठ व्रतियों ने यहाँ आना शुरू किया। और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मोहन मिश्रा ने की थी। मोहन मिश्रा ने जब शुरू किया था तब ये शुरू हुआ था इस वजह से कि यहाँ पर आने वाले लोग, जो महिलाएं यहाँ पर व्रत रखती हैं और छोड़ती हैं व्रत तोड़ने के वक्त, और स्नान करती हैं पूजा अर्चना के बाद उनको कपड़े बदलने के लिए और अन्य नित्य कर्मों के लिए, उनके लिए जगह की आवश्यकता थी, अनाउंसमेंट करने के लिए जगह की व्यवस्था करनी होती थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पर एक मंच बनाया। मंच को आज विस्तार मिला, बहुत ही विस्तृत रूप से इस बार बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है छठ पर्व। छठ पर्व की शुरुआत पर बहुत सारी बातें हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं, हमारे साथ हैं मोहित कंबोज जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं मुंबई के। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी। मोहित जी के साथ ही हमारे साथ ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हैं, जो हमारे साथ कई टॉक शोज में हमारे साथ आ चुके हैं, नगर सेवक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता भी हैं। मोहित जी, हम बात करते हैं, जब पीछे थोड़ा सा मुड़कर देखते हैं तो वो बात नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक मोहन जी भी आ गए हमारे साथ। मोहन जी, जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम में बताया था कि मोहन जी उस नींव के पत्थर हैं जिसने इस पूरे घटनाक्रम को बदलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुंबई शहर को छठ पूजा से परिचित कराया। इसे ग्लैमराइज करने का श्रेय भले ही किसी और को जाता हो, लेकिन उस नींव का पत्थर जरूर है ये, और उस नींव के पत्थर पर एक बड़ी इमारत और बुलंद करने का काम मोहित कंबोज जी ने किया। मोहित जी, हम आपसे सुबह हमारे साथ में कार्यक्रम में थे, मोहन जी काफी कुछ बातें हुई, वो क्या चीज थी जिसने आपको आकर्षित किया कि छठ पर्व को बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए आपके माध्यम से, और वो मंच जो शुरुआत तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो बात नहीं थी, एक सादगी थी और बड़े पैमाने पर करने की आपने सोची तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में, एक महीने पहले शामिल हुआ मैं, उसके बाद मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। और मैं खुद एक यूपी से बिलोंग करता हूँ, बनारस से बिलोंग करता हूँ, एक उत्तर भारतीय हूँ। मोहन जी हमारे बड़े भाई है, पार्टी के बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, 19 साल से छठ कर रहे हैं। मेरी इनसे जब मुलाकात हुई तो मैं काफी इनसे प्रभावित हुआ कि 19 साल से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इनके साथ जुड़ के इसको कुछ बड़ा रूप दे सकूं, वो मेरी कोशिश थी जो एक स्वीकार हुई है। और हमारे जितने उत्तर भारतीय भाई बहन यहाँ पे छठ पे आए हैं, सबको बधाई देता हूँ और मोहन जी को श्रेय देता हूँ इसका, कि उनके सहयोग से कार्य पूरा हो सका। मोहन जी, मोहित जी क्या नाम, मोहन जी को मोहित जी मिले और फिर उसमें ये एक नया रूप आ गया, तो ये आज आप सुबह भी बता रहे थे काफी उत्साहित हैं आप, और लोगों का जब सहयोग मिलता है तो उसमें जोश आ ही जाता है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे जितने भी चीज है वो छठ व्रतियों और उत्तर भारत और बिहार के आने वाले लोगों की जो उत्सव का जो एक त्योहार होता है उसमें एक अलग प्रकार के, सभी प्रकार के रंग यहाँ अब इस बार दिखाई देता है मोहित जी के आने से, वो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो हमने पूजा का ही इंतजाम किया है, कुछ जो मनोरंजन का काम थोड़ा बड़ा है, प्रतिबंधित है, नहीं तो और हम अच्छी तरह से कर सकते थे। आप इससे जुड़े रहे हैं, कॉर्पोरेशन से जुड़े रहे हैं, कॉर्पोरेशन में आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस जो इनकी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, ये धार्मिक पर्व है, इसे लेकर जिस तरह की स्थितियां होनी चाहिए थी पहले वो बात आ नहीं पाई, बेहतर हुआ एक चीज आई, लोगों का आना शुरू हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से लोग जुड़ते हैं, सामाजिकता समरस होते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं अब के वर्तमान परिदृश्य में? जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि 19 वर्षों से मोहन मिश्रा जी जो प्रोग्राम कर रहे थे, मोहन जी ने मोहित को मोहित करके भारतीय जनता पार्टी में लाए हैं, तो अब हम चाहते हैं कि सारी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर सम्मोहित हो और इस देश से अराजकता की जो परिस्थिति बनी है, महंगाई और आतंकवाद और जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इस सारों को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर जनता उमड़ी हुई है। और जहाँ तक राजनीतिक पक्ष की बात है,
यहाँ पर कुछ विवाद होने के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यहाँ पर उनके दिए हुए निर्देश के हिसाब से कार्यक्रम तय किया जा रहा है और सभी लोग यहाँ पर मिलजुल के प्रोग्राम सक्सेस कर रहे हैं। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है, लोगों के उत्साह को जाता है, लोगों के जोश को जाता है। लोगों की भीड़ इकट्ठा करना बड़ा आसान होता है, उन्हें नियंत्रित करना, उनके बीच में वो संदेश ले जाना जो आपकी धरोहर है, ऐसे कार्यक्रम को चुनकर आपने एक नई दिशा देने का प्रयास किया, तो वो चीजें किस तरह से लोगों के बीच ले जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने इस बार महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया है, महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की है, मनोज तिवारी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ ही साथ पानी से लेके, दूध से लेके, प्रसाद से लेके छोटी छोटी चीजें जो छठ पूजा में जरूरत पड़ती है उसका प्रबंध हम लोग करा रहे हैं। उसके साथ साथ प्रशासन ने बहुत अच्छा हम लोग के साथ व्यवहार रखा और कम से कम 2,000 से 2,500 पुलिस कर्मी यहाँ पे शामिल है सिविल ड्रेस में और पुलिस की वर्दी में, जो पुलिस सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ 500 वॉलंटियर हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पे शामिल है जो सबका देखभाल यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या जो पुरानी तैयारियां करते थे उसमें क्या चेंजेस लाए हैं और या क्या बेहतर करने की कोशिश की है? पहले जो हम लाखों की भीड़ के लिए हमारे पास में व्यवस्था कमी होती थी, जैसे पानी की व्यवस्था हम लोग 5,000 करते थे, इस बार 10,000 किए हैं, करते थे सभी लेकिन इस बार ज्यादा किए हैं। प्रसाद की व्यवस्था है, पूजा की व्यवस्था है, सेवा की भाव जो है वो बढ़ गई है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी टीम जो है कार्यकर्ता बहुत सालों से हमसे जुड़े हुए हैं, इस बार मैं तो समझता हूँ मोहित जी को मेरे कार्यकर्ता है और उन्होंने ये भार उठाया है और इस प्रकार से ये कार्यक्रम को थोड़ा सा और बल मिला है, सेवा का भाव और सेवा का कार्य में थोड़ा सा और भी अच्छा बढ़ोतरी हुई। आपके आने के बाद आपने जिस तरह से कार्यक्रम को एक नई दिशा देने का प्रयास किया तो चर्चा में भी आए और कहीं ना कहीं एक इसे बृहद रूप देने का जो श्रेय आप लोगों को जाता है, बड़े पैमाने पर इसे और लोगों से जुड़ने का और सामाजिकता को, ऐसे धार्मिक पर्व को लोगों के बीच ले जाने के लिए और भी क्या किया जाना चाहिए जिसकी तैयारी आपने की हो? देखिए, सामाजिक को और अब फिर से बोले क्या बोल रहे, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम जिनकी सामाजिक महत्व होता है, धर्म अपने घरों में धार्मिक पर्व का आयोजन करना और समाज में ले जाने के लिए भीड़ में ले आना और समुद्र तट जैसी जगहों पर लाकर फिर कार्यक्रमों का आयोजित करना और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और भी आगे बढ़ाना, इसके लिए और भी क्या तैयारी आपने सोची है? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़ सके, एक समाज में अच्छा मैसेज जाए। आज जैसे गणपति है, आज छठ पूजा है, आज दही हंडी है, हर एक वर्ग में एक त्योहार मनाया जाता है एक दूसरे जुड़ने के लिए, तो हमारी भी ये इच्छा है ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करके लोगों का एक दूसरे से जुड़ा हो, यहाँ पे लोग एक दूसरे से आके मिले, शांति पूर्वक ये त्योहार होना चाहिए। आगे भी हमारी इच्छा रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्लेटफॉर्म से हर जाति के, हर एक धर्म के त्योहार मनाया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हर धर्म का जो एक गेट टुगेदर, एक जुटता होती है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये हमारा आगे का मकसद रहेगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है उसमें धार्मिक कट्टरवाद की बात नहीं है, उसमें बात है सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की। छठ के माध्यम से, जैसा कि हम कह रहे थे कि छठ के कार्यक्रम में जो लोग भी आते हैं इसमें न कोई ऊंच होता है न नीच होता है, जिसमें हर कोई एक बराबरी का होता है और छठ माँ की उपासना करता हुआ सूर्य को अर्घ देने के लिए आता है। दूसरी चीज, हमने कहा था कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, बिल्कुल उतना ही महत्व दिया जाता है। सूर्य की महिमा पर काफी कुछ बातें हुई थी सुबह, हम मोहन जी से जानेंगे। मोहन जी हमारे साथ में, मोहित जी को होना था लेकिन उस वक्त नहीं थे। वो चीजें क्या है जो सूर्य से जुड़ी हुई है, सूर्य के महत्व को लोगों के बीच ले जाना, ये जो लोग उसकी महत्ता को समझते हैं वही ले जाते हैं, और मोहित जी चाहते तो इस कार्यक्रम को बृहद रूप में कोई भी वेस्टर्न कल्चर के साथ में भी जोड़ सकते थे पर अपनी परंपराओं से जुड़े हुए करने की कोशिश की है, तो वो क्या चीजें हैं जो जनता को बतानी चाहिए हमें? सूर्य भगवान हमारे ये प्रकृति की आत्मा है और उनके द्वारा ये सारे पृथ्वी भी संचालित उनके द्वारा है,
प्रकृति का निर्माण उनके द्वारा हुआ है और ये जितने भी फल फ्रूट इतना तक ही नहीं, हमारी जो जन्म और मृत्यु है वो उन्हीं के कारण, समय के कारण होता है। और जितने भी हमारी जीवन की औषधियाँ जो हम जीवन पालन के लिए पालते हैं वो भी सूर्य के आधार पर होता है। ये वर्षा होना, ये प्रकृति का संचलन, ग्रहों का संचलन, सब उसी पर आधारित है। हमारा देश संस्कृति का, संस्कृति प्रधान देश है। अब छठ पूजा ये बिहार में हुआ करता था, ऐसा नहीं है। छठ सूर्य भगवान का वैदिक युग से अलग अलग तरीके से पूजा होता है, लेकिन बिहार ऐसा जगह है जो उसने वहाँ पर ये छठ पूजा किसी नदी किनारे, नदी किनारे लोग एक परिवार बनकर छोट नीच जात छोट सब भेद को भुलाकर, जैसे सूर्य भगवान का रोशनी जैसे एक फूल पर पड़ता है वैसे एक बिस्था और गंदे जगह पर पड़ता है, उसमें भेद नहीं होता। इस भेद को मिटाने के लिए एक बिहार से एक आयाम निकला और उस बात को मैं बाहर लाना शुरू किया यहाँ समुद्र तट पर। और मैं विश्व को कहना चाहता हूँ, जो सूर्य भगवान की एक कृतज्ञता का त्यौहार है, जो हमें जीवन मिला है, हमें प्रकृति सुंदर मिला है और जो हम कर रहे हैं वो सूर्य के कृपा से कर रहे हैं, इसको सबको आराधना करना चाहिए, सबको लगना चाहिए, सबको इसका मिलना चाहिए। जैसा कि आम लोगों तक ये बात जानी चाहिए, मोहन जी ने जो सफर को शुरू किया था उस सफर को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने सहयोग दिया, लेकिन मोहित कम्बोज जी ने इसे जिस बृहद रूप में पेश किया है ये अपने आप में एक मिसाल बन जाएगा। मोहित जी ने इसे बृहद तो बनाया लेकिन कार्यक्रमों की लगातार इस तरह की श्रृंखला चलती रहे, इसके लिए आप लोग मोहित जैसे लोगों को शामिल करना, मोहित जैसे लोगों को इसमें आगे बढ़ाना, तो कार्यकर्ताओं की और भी अभिलाषाएं उनकी उम्मीदें बढ़ती जाएंगी, तब क्या करेंगे? नहीं देखिए, ये सूर्य देवता की जैसे मोहन जी ने बताया कि हम उपासना इसीलिए करते हैं कि डूबते हुए सूर्य जैसे सभी का दुख लेके जाते हैं, वैसे उगते हुए सूर्य सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेके आते रहे। जैसे कि आपने पूछा कि मोहित जी जैसे जुड़े हैं इस वर्ष के कार्यक्रम के सफल बनाने में, सबसे ज्यादा श्रेय यदि देना दिया जाए तो मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी और मोहित कम्बोज जी, इन दोनों जन ने मिल करके छठ की पूजा को बहुत पूरी तरीके से पूर्ण किया है और सफल बनाया है। अब आप पूछ रहे हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं की अभिलाषा बढ़ती जाएगी, तो आगे ऐसे मोहित जैसे लोग और भी कई जुड़ते रहेंगे पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी उस परिपूर्ण को क्या बोलते उनकी मांग को पूरी करती रहेगी। मोहित जी, छठ को लेकर बड़ी राजनीति हुई, बहुत सारी बातें हुई, छठ को एक तरह से ये कहा गया कि एक शक्ति प्रदर्शन होता है, आपको ये शक्ति प्रदर्शन लगता है या भक्तजनों की आशा और उनके विश्वास का प्रतीक लगता है? देखिए, शक्ति प्रदर्शन तब होता है जब लोगों को आप यहाँ पे लेके आते हो, बुलाते हो, यहाँ पे लोग खुद से आते हैं, पूजा करने आते हैं। हमारा जो मंच है वो उनको पूजा करने में, जैसे हमने पूजा पाठ सुबह से गणेश की आरती की, नौ ग्रहों की आरती की, राहू जी की आरती की, छठ माता की आरती की, पवित्र जगह को पवित्र बनाया कि यहाँ पे आज लाखों लोग व्रत रखते हैं। कोई जी, आपके जरिए, आपके ही मंच के माध्यम से देखिए, हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से, हम कहेंगे धवन जी से कि ये वो दृश्य दिखाएं जो यहाँ पर, ये जगह जगह पर देखिए कि गन्नों की, जैसा कि हमने कहा था कि गन्ने और सूप होता है, गन्ना होता है, नारियल होता है, फल होते हैं और स्वच्छ फलों के द्वारा ये सूर्य को अर्घ देने का जो कोशिश होती है जगह जगह, आपको इससे अंदाजा चल जाएगा कि कितने लोग इसमें धार्मिक भावना से आते हैं और उन अपनी परंपराओं से जुड़े रहना, अपनी परंपराओं से जुड़े रहकर उसे और भी बड़े रूप में मनाना, ये भारतीय संस्कृति भी रही है और इसी संस्कृति को बढ़ावा देने का जो काम हो रहा है। और हम अपने माध्यम से, नमन न्यूज के माध्यम से, चैनल वन के माध्यम से, हम लोगों तक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित जी, ये जो नजारा है, इस नजारे की आपने कल्पना की थी? नहीं, कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ये नजारा देख के खुद एक अद्भुत दिखता है कि बॉम्बे में इतने उत्तर भारतीय लोग एक साथ एक दिन एक मंच पे आते हैं, खुद में एक बहुत बड़ा करिश्मा है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, एक करिश्मे की बात है। हमारे साथ में सचिन जी का रूप इधर कर आप आइए, ले आए मोहित जी के साथ ही। जी, ये आप क्या महसूस कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मैं दिल्ली गया था, ये भाई साहब का साथ में हमें संजय निरुपम साहब फोन किए थे कि तुम कहाँ, बोले मैं दिल्ली में सो भी करता हूँ ना, सचिन निरुपम कर, तो छठ में मैं भी मुसलमान हूँ, बिहार, मैं बिहार से छठ मानता हूँ,
पूजा नगर में एंजॉय करता हूँ। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, जहाँ हमको बुलाते हैं पब्लिक में जाता हूँ। छठी मई का आशीर्वाद है, छठी मई को हिंदू मुसलमान को अपना भाई को अपने नया साल में मुबारक देता हूँ। जब बीजेपी सरकार आना चाहिए। हमने कहा, आपने एक अच्छी बात बताई, मोहित जी के मन से आप आए हैं, आप मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि बिहार में ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, धर्म से हटकर छठ पूजा में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। नहीं देखिए, जैसे मैं शत्रु भाई मेरा फैमिली मेंबर है, बच्चन साहब को मेरा अपना फैमिली मेंबर है, सब यहाँ है। जो जो बुलाते हैं, मैं अभी मनोज तिवारी साहब मुझे बुलाए हैं, मुझे आना है, मैं प्रोग्राम करता हूँ सचिन का डुप्लीकेट, मिमिक्री आर्टिस्ट रेडियो पे जॉब करता हूँ, मुझे बुलाते हैं, एंजॉय कराऊंगा, एंजॉय करता हूँ। छठ में मैं मुसलमान हूँ, पूछता नहीं हूँ, एंजॉय करने वाला हूँ। छठी में से बोलता हूँ, छठी में हिंदू मुसलमान को सब खुश रखे, बीजेपी सरकार आवे, बस सरकार के कामना भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसी बहाने इस मामले में भी लोगों की कोशिशें जारी रहती हैं। मोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित जी ये बताएं, एक सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने के बाद, भाई ने बताया कि बिहार में जिस तरह के लोग होते हैं, भले उससे एक पूजा न करते हो, लेकिन वो आस्था जरूर है, वो सद्भावना जरूर है, उस सद्भावना को निर्माण करने के लिए मुंबई में और भी क्या किया जाना चाहिए, किस तरह के कार्यक्रमों के, इस तरह की एक श्रृंखला कैसे तैयार की जाए? देखिए, मुंबई में हर एक धर्म, जैसे क्रिसमस आया तो क्रिसमस का आयोजन करें, जहाँ पे हर एक, जैसे बेंड्रा सबसे ज्यादा गढ़ है, तो वहाँ पे माउंट मेरी का चर्च है, ऐसे कोई पूजा के प्रार्थना का रखे वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का। जब भी आपको पता है ईद आती है, तो हमेशा हर लोग ईद की मिलन पार्टी करते हैं, दिवाली पे अलग मनाया जाता है, गणपति मनाते हैं लोग, अपना दही हंडी का प्रोग्राम करते हैं। तो अभी हर एक वर्ग से, हर एक धर्म में कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया चालू हो गई है लोगों को एक दूसरे से जुड़ने की। बहुत आसान है, धर्म के माध्यम से लोगों को तोड़ा बहुत गया है, लेकिन जोड़ने की कोशिश, आसान जोड़ना है, लेकिन जोड़ते लोग नहीं है। आज हमने यहाँ पे, आपको आश्चर्य होगा जान के, बहुत से लोग बात करते हैं उत्तर भारतीय है, और कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय की राजनीति होती है। हमने यहाँ पे अपने मंच में पहली बार छत्रपति शिवाजी पुरस्कार रखा है, जो 5 पुरस्कार महाराष्ट्रीयन लोगों को दिया जाएगा महाराष्ट्र से। तो आज एक उत्तर भारतीय मंच पे मराठा लोगों का भी सम्मान किया जाएगा यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे अपने कर्म भूमि पे, उनकी जन्म भूमि पे कार्य किए हैं, कुछ ऐसे कार्य किए जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अचीव किए हैं, ऐसे लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, ऐसे 5 लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं यहाँ पे आज इस मंच पे। एक बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, खास करके बिहार में मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम छठ पूजा, और छठ पूजा को उत्सव के द्वारा मनाया जाना, सांस्कृतिक मंच का निर्माण करना, वहां से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश करना, और उस मंच से मराठी भाषियों को सम्मानित करना, यानी महाराष्ट्र से बिहार को, बिहार से महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश से उत्तर भारत को महाराष्ट्र से जोड़ने की एक श्रृंखला शुरू की गई है। इसके लिए इसके आयोजक जरूर बधाई के पात्र हैं। जैसे लोग इस मामले में राजनीति देखते हैं, राजनीति जोड़ते हैं, तब आपको कैसा महसूस, भले आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, लेकिन जब ये जनता है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक होंगे ये नहीं कहा जा सकता, ये जनता है, ये सब कुछ देखती है। जब बात धर्म की आती है, जब बात त्योहार की आती है, तो कोई कौन किस पार्टी का है, कौन किस पार्टी को वोट देता है, कौन उससे नहीं होती है, उससे उठ के ये बात कहीं एक पर्व की आती है, जिसको हर आदमी मिलके मनाता है। आज हमारे मंच में से अभी आपके मुस्लिम भाई भी है बिहार से, तो अभी जब छठ पूजा की बात आई, तो इसमें हिंदू, पंजाबी, सिंधी सब लोग आते हैं यहाँ पे, जिसको एक उत्साह से मनाते हैं। तो अब ये लोग भी इतने मैच्योर हो गए कि हिंदुस्तान में के लोग इससे ऊपर उठ गए, और ऊपर उठ के वो धर्म की पॉलिटिक्स या धर्म के भेदभाव से ऊपर आना चाहते हैं। धर्म से ऊपर आने की लोगों की कोशिश होती है, धर्म, जैसा हम पहले कह रहे थे कि धर्म को, धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म के जरिए जोड़ना बहुत आसान होता है, तोड़ना भी उतना ही आसान होता है, लेकिन तोड़ा ना जाए तो बेहतर है। इसके बाद में आपने क्या सोचा है, इस तरह के कार्यक्रमों को बृहद रूप दिया जाए, बड़ा रूप दिया जाए, और लगातार इसकी प्रशंसा की जाती रहे, इस तरह के और भी कई कार्यक्रम जो जनता के बीच में जाकर मनाए जाते हो, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो हम लोग छठ पूजा इस साल मनाए, और हर साल इसको मनाएंगे, बाकी दूसरे कार्यक्रम है उसके ऊपर अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, जब वक्त आएगा उसके ऊपर जरूर सोचा जाएगा। और हर कार्यक्रम, हमारी इच्छा रहेगी कि हर कार्यक्रम खुशी से मुंबई में एक पर्व के रूप में सभी को लेके मनाया जाए, और लोगों को जोड़ने के लिए भी इस दिशा में प्रयास होंगे। हाँ, हर आदमी को, हर वर्ग के आदमी को जोड़ा जाएगा, और ये एक परिवार है, मुंबई का एक परिवार है, जिसमें सब लोग भाई बहन है,
उनको जितना फैमिली बढ़ेगी उतना अच्छा है। मुंबईकर अगर आपको देख रहा है, मुंबईकर आपके कार्यक्रम को देख रहा है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं मुंबईकर को संदेश देना चाहूंगा, यहाँ पे आए हुए सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि सब लोग आए छठ मैया की पूजा करें, पूजा करने के बाद शांति पूर्वक अपने घर पे जाएं और हर त्योहार का आनंद लें। उसमें कहीं भी त्योहार में किसी भी चीज का आप बोलिए कि उसको किस रूप दिया जाए वो रूपों में नहीं जाए, सिर्फ त्योहार का आनंद लें। जब त्योहार मनाए जाते हैं लोग इससे जुड़ते हैं, लोगों का जुड़ना शुरू होता है, ये माध्यम होता है लोगों के बीच जाने का। आपका ये पहला प्रयास है और जब से आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपने कितना पाया कि लोग इस तरह के कार्यक्रमों को किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं आपको? मेरे को काफी लोगों का फोन आया कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत अच्छे लोग इसमें जुड़ा होता है। आज उत्तर भारतीयों में अगर आज ईश्वर ने आपको, मैं खुद बनारस से रहने वाला हूँ, 12 साल पहले मुंबई आया, मुंबई आके इस धरती ने मुझे जो दिया वो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मैं जिस धरती से आया वहाँ धरती के लिए, धरती के लोगों के लिए जो यहाँ पे उनके लिए कुछ कर सकूँ तो खुद बहुत गर्व फील होता है और बहुत एक छोटा इंसान हूँ, लेकिन जो कर सकूंगा जरूर करूंगा। मोहित जी, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको वो दृश्य भी दिखाते हैं जिसे कहा जाता है कि शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन ही नहीं, यहाँ पर पूजा उपासना भी होती है। आप देख रहे हैं कि बाकायदा हवन हो रहे हैं और हवन के माध्यम से एक मंच को एक अलग चीज भी दी जा रही है, इस कार्यक्रम को एक नई रूपरेखा भी दी जा रही है। हम वो दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं, वो दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस दृश्य को दिखाने के माध्यम से एक और आप देख सकते हैं। मोहित कंबोजी हमारे साथ है, चलते चलते मोहित जी हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें, अपने लोगों से कुछ कहना चाहें। सभी लोगों से ये प्रार्थना है मेरी कि छठ मैया की पूजा में सभी को छठ परिवार की हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। सब जिन्होंने व्रत रखा है औरतों को दुआ करूंगा भगवान से सबकी मनोकामना पूरी करे, और साथ ही साथ छठ मैया से मेरी दुआ है, कल्पना है, छोटा सा हवन भी कर रहे हैं कि 2014 में कांग्रेस मुक्त देश में सरकार आए और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित कंबोजी हमारे साथ थे, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की, सुबह के कार्यक्रम में हमने दिखाने का प्रयास किया था कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। वो अपनी धार्मिकता, अपनी आध्यात्मिकता को बरकरार रखते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति आई है, और हो भी क्यों ना, बिना राजनीति के राजनेता कोई काम करते भी नहीं। फिर भी इसी बहाने अगर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं तो इसके लिए आयोजकों को साधुवाद दिया जाता है। मेरे साथ मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिएगा लेवल न्यूज़। आज संडे है, मुंबई में सारे खुले आम खरीद करो, जुहू में दर्शन बिल्डर्स का प्रोजेक्ट बिका।